आपको बता दें कि करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु ने साल 2022 में एक बेबी गर्ल का स्वागत किया था। डिलीवरी करने के बाद का वक्त बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि डॉक्टर ने बिपाशा और करण को बताया था कि उनकी बेटी देवी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसे सर्जरी करने के बाद ही फिक्स किया जाएगा। ये सारा वक्त बिपाशा के लिए बहुत ही कठिन था, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी शेयर किया था। अब कपल की बेटी देवी एकदम से ठीक है और उनकी बेटी की प्यारी सी वीडियो बिपाशा फैंस के साथ हर वक्त शेयर करती रहती है। इसी बीच अब एक्ट्रेस की बेटी 19th मंथ की हो चुकी है, जिसकी सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने कुछ प्यारी सी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीर में आप देख सकती है कि बिपाशा और करण दोनों ही अपनी बेटी के साथ कितने खुश नजर आ रहे हैं। पहले तस्वीर में जहाँ पर देवी अपने पापा के साथ खेलती हुई नजर आती है, तो बिपाशा उन दोनों को निहारते हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में बिपाशा और करण एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं, तो उनकी बेटी देवी बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए उन दोनों को निहारते हुए नजर आते हैं। इस दौरान उनकी बेटी देवी और बिपाशा दोनों ही येलो कलर के आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए नजर आते हैं। बिपाशा और करण की बेटी देवी बहुत ही क्यूट है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो देखना फैंस को भी बहुत पसंद आता है। फिलहाल हमने बिपाशा और करण को उनकी बेटी की 19 मंथ पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।